झारखंड में एक और मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक दिन पहले हेमंत विश्वा शर्मा आसाम के सीएम और उनके साथ बाबूलाल मरांडी, अमर भौरी हजारीबाग के बेंगाबाद पहुंचे थे और पहुंचने की वजह थी कि कैदी के हाथों एक हवलदार की हत्या हुई थी, चौहान हेम्ब्रम, जो एक गैंग रेप के आरोपी सजायाफ्ता कैदी शाहिद अंसारी की निगरानी में थे और शाहिद अंसारी ने हवलदार चौहान हेम्ब्रम की रॉड से मारकर हत्या कर दी थी और उसके बाद वो फरार हो गया और अभी तक वो कैदी पकड़ा नहीं गया है। लेकिन जब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जब हेमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी बेंगाबाद उस मृत सिपाही के परिजनों से मिलने पहुंचते हैं तो ये पाया जाता है कि सिर्फ उनकी वृद्ध माता जी वहां मिलती हैं और सिपाही की पत्नी, उनके बच्चों को गायब कर दिया जाता है, घर में ताला लग जाता है और बीजेपी सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है हेमंत सोरेन सरकार को और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर रही है हेमंत सरकार। अब क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये जानने के लिए हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता मदन से। देखिए मदन, ये मामला सामने आया, अमर भौरी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा बाबूलाल मरांडी गए थे तो मुलाकात नहीं हो पाई उनके परिजनों से, मृत सिपाही जो सिपाही हैं उनकी पत्नी से, तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया और बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है। क्या कहा जा रहा है मदन इस बारे में? बिल्कुल, देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो झारखंड दौरे पर आए थे और लेकिन जैसे ही उनको कल ये सूचना मिली कि झारखंड में ये घटना घटी है, उसके बाद वो आज सुबह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ वहां जाकर के जो शहीद जवान है कहें सीधे तौर पर, उनके परिवार के लोगों से मिलकर हालचाल लेना चाहते थे, उनकी स्थिति क्या है ये जानना चाहते थे और सरकार पर एक दबाव देना चाहते थे कि आखिर जो यह अभियुक्त है, जो फरार है अभी, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। लेकिन ये अब आरोप लग रहा है कि जैसे ही सुबह सुबह हेमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी देवघर हवाई अड्डा पहुंचते हैं तब उन्हें जानकारी मिलती है कि यहां से जो है परिजनों को हटा दिया गया है। सुबह में 4:30 बजे के करीब यह कहकर परिजनों को वहां से हटाया जाता है कि कुछ कागजात काम कराने हैं, ऑफिशियल जो काम है वो होने हैं, इसलिए आपको यहाँ से बुलाया जा रहा है। और देर शाम जो है वो तस्वीरें आती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से पूरे परिवार के लोग मुख्यमंत्री आवास में मिलते हैं। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर जो है बीजेपी और जेएमएम इस मामले को लेकर के आमने सामने हुई है कि एक आदिवासी का बेटा कुछ एक तरह से कहे तो इंसाफ दिलाने में नाकामयाब है एक आदिवासी मुख्यमंत्री। अब सीधे तौर पर जो है इसको लेकर के सियासत हो रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा आज वहाँ पर पहुँचकर उनके एक वृद्ध माँ से मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि पार्टी के तरफ से जो आर्थिक सहायता संभव हो पाए वो तो ज़रूर दिलाएंगे, लेकिन ये हम ज़रूर कहते हैं कि इस तरह के क्रूर व्यक्ति को एक कठिन से कठिन सजा दिलाई जाए ताकि आने वाले दिनों में दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह का हिम्मत ना करे, क्योंकि एक बेकसूर एक आदिवासी कांस्टेबल की जो हत्या होती है तो फिर ये सरकार जो है चुपचाप बैठी रहती है और वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए जो है खामोश रहती है। तो ये जो सीधा एक आरोप लगाया है बीजेपी के नेताओं ने, अब इससे जरूर हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के और सियासत होगी। सीधे तौर पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री और एक आदिवासी बेटा जिसकी हत्या हुई है उसे जोड़ा जा रहा है, तो अब देखना होगा कि आज तो परिजनों से मुलाकात नहीं हुई तो क्या फिर से एक बार बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचते हैं, मुलाकात करते हैं और क्या आश्वासन देते हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि सुबह 4:30 बजे ही उन्हें वहां से हटा लिया गया था, उन्हें उनके घर गाड़ी भेजकर उन्हें वहां से हटा लिया गया था, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही बाबूलाल मरांडी और हेमंता बिस्वा शर्मा देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तभी उनको ये जानकारी मिल गई थी कि घर खाली है, घर में कोई नहीं है और जो बाद में पता चला तो उसमें ये कहा बताया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा 4:30 बजे सुबह में ही तमाम लोगों को घर से वहाँ पर साथ चलने को कहा गया और ये कहा गया कि आपको हजारीबाग चलना है, वहाँ कुछ कागजात के काम हैं, ऑफिशियल काम है, उसकी वजह से आपको लिया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में अब
जो देर शाम तस्वीर आई है उसमें सीधे तौर पर आरोप ये लगा है कि ये मुख्यमंत्री जो है सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं, सिर्फ आदिवासी के नाम पर जो है वोट लेते हैं लेकिन आदिवासी के लिए कोई काम नहीं करते हैं। अब इनके लिए एक धर्म संकट से स्थिति है कि एक आदिवासी का बेटा मारा गया और एक जो मुस्लिम समाज के लोगों से जो वोट इन्हें चाहिए, ऐसे में आरोपी उसी समाज से आते हैं। तो ऐसे में अब दोनों ही धर्म संकट की स्थिति है कि किसे बचाए और किसे फंसाए। तो ये जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगा है, अब देखना होगा कि इसके जवाब क्या आते हैं, जेएमएम की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि इस मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है, कौन कितना हितैषी इसको लेकर के आमने सामने है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिपाही चौहान हेम्ब्रम की मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है क्योंकि सीधे सीधे शाहिद नाम के कैदी ने हत्या की है और उसके बाद वो फरार है, अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है, जिसे लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। और बीजेपी का सबसे गंभीर सवाल ये है कि जब बाबूलाल मरांडी और हिमंता बिस्वा सरमा उनके परिजनों से मिलने जाते हैं तो 4:30 बजे सुबह उन्हें क्यों उठा लिया जाता है, घर में क्यों ताला बंद कर दिया जाता है। देखने वाली बात यह होगी कि जेएमएम की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है, क्या कुछ जवाब आता है।